हेलो एवरीवन वन आई पूजा शर्मा वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस में जैसा कि आप जानते हैं डेली लाइव क्लासेस के अंदर हम डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैं पूजा शर्मा आपको साइंस टीच कर रही हूँ हम टॉपिक वाइज डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं तो देखते हैं इसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है टूडेज आर टॉपिक इज पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर सिंपली पोल्यूशन से रिलेटेड एयर एंड वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो चलते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ एयर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज वन ऑफ द गैसेज इज ट्वेंटी पार्ट ऑफ द एयर एंड इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स दिस गैस इज क्या बोल रहा है कि हमें पता है एयर मिक्सचर है वेरियस गैसेज का yes, ये वी नो दैट वन ऑफ द गैस इज ट्वेंटी ये ओके एंड इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग और ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए ये असेंशियल होती है तो ये गैस कौन सी है ये गैस है ऑक्सीजन ऑक्सीजन किस अमाउंट में प्रेजेंट ट्वेंटी वन परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होती है एंड ये ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए होती है ओके okay? आगे चलते हैं

मेजर पोल्यूशन कौन कॉज कर रहा है एनिमल मैन हाइड्रोजन गैसेस देन ऑफ़ तो देखिए हमें पता है ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज है डेट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज मैन जो एक ह्यूमन बींग है मैन जो है वही क्या है मेजर कॉज है पॉल्यूशन का आगे चलते हैं द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन मेट्रो सिटीज मेट्रो सिटीज में मेन कॉज क्या है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स वाटर प्लांट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स नन ऑफ द अबाउट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते वाटर प्लांट्स नहीं हो सकते बचा फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मेट्रो सिटीज़ के अंदर ज़्यादातर व्हीकल्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं फैक्ट्रीज होती वहाँ पर जिस वजह से वहाँ पर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल काफ़ी ज़्यादा होता है और यही मेन रीज़न है वहाँ पर पॉल्यूशन कॉज होने का ठीक yeah? है नेक्स्ट सी एफ सीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सी एफ सी फर्स्ट ऑफ ऑल सी एफ सी क्या है सी एफ सी इट्स क्लोरो क्लोरो कार्बन क्लोरो फ्लोरोबन ओके तो ये क्लोरो फ्लोरोबन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन डिफॉरेस्टेशन एसिड रेन या नन ऑफ द तो देखिए ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर देते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में इनका मेन रोल है ठीक है जो ओजोन लेयर है जो हमें यूवी से प्रोटेक्ट कर रही है उसमें जाके होल करने का काम है इनका सी एफ सी मेनली क्या कर रहे हैं ओजोन लेयर को डिप्लीच कर रहे हैं नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है वाटर वेपर कार्बन मोनोऑक्साइड मिथेन एंड ऑक्सीजन तो देखिए वाटर वेपर एंड मिथेन दोनों ही ग्रीन हाउस गैस है देखिए हम यहाँ पे देखेंगे ना सबसे पहले देखते हैं हमें क्या लगता है वाटर वेपर अरे वाटर वेपर तो हो ही नहीं सकती है बट नहीं वाटर वेपर होती है वाटर वेपर हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है इसीलिए ये क्या है इट इज अ ग्रीन हाउस गैस अब बात करें हम मिथेन मिथेन तो ऑब्वियसली होती ही है ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ये क्या है ग्रीन हाउस गैस है इसीलिए इसे भी हम हटा देंगे ऑक्सीजन बचता है ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन ठीक है आगे चलते हैं एसिड ड्रेन कंटेंस एसिड ड्रेन में क्या है एसिड ड्रेन में ऐसी क्या चीज है एसो टू एंड एनओ टू एनो थ्री ओ टू या सी ओ तो देखिए एसिड ड्रेन जो होती है वो होती है एसो टू और एनो टू जो होती है जब ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आती है तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करती है जिस वजह से एसिड ड्रेन होती है ठीक सो करेक्ट ऑप्शन इज ए एसो टू एंड एनओ टू ठीक है आगे चलते हैं Which of the following gases does not cause acid rain? इनमें से कौन सी gases acid rain cause नहीं करती हैं? Sulfur dioxide, Nitrous oxide, Methane, none of the above. तो देखिए sulfur dioxide अभी हमने पढ़ा, Nitrous oxide अभी हमने पढ़ लिया, तो बचा कौन सा? Methane, Methane जो है, Methane नहीं react करती water के साथ में तो simply ये acid rain में इसका कोई भी हाथ नहीं होता है। क्या? Yeah? आगे चलते हैं। ताजमहल मह, ताज ताजमहल मार्बल इज अफेक्टेड बाय ताजमहल का जो मार्बल है उसे किसने अफेक्ट किया था मेनली तो देखिए एसो टू ने किया था एसो टू ने वाटर के साथ में जब ब्रेन हुई थी एसो टू वाटर के साथ में मिक्सअप हो गई उससे उसने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया उस मार्बल को डैमेज कर दिया ठीक है इस वजह से ताजमहल जो है उसके मार्बल को अफेक्ट करने का काम एसो का था तो करेक्ट ऑप्शन इज एसो नेक्स्ट

होता है ओजोन लेयर इन द एटमोसफियर इंफ्रारेड लाइट ट्रीट द अर्थ मॉइस्चर लेयर इन द एटमोसफियर सीओ टू लेयर इन द एटमोसफियर तो देखिए हम लोग जानते हैं कि मेनली सीओ टू ही क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट लिए रिस्पॉन्सिबल है सो सीओ टू लेयर इन द एटमोसफियर इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रीन अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफियर अर्थ के एटमोसफियर में जो Gradual change, gradual जिसे हम बोल सकते हैं ये किस वजह से इसे क्या कहते हैं क्या है एसिड रेन ग्लोबल वार्मिंग डिफॉरेस्टेशन एंड ऑफ द वो तो इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल ग्लोबल वर्ड है ग्लोब्स एंड ग्लोब मीन सिंपली हम अर्थ को कर तो अर्थ की जो वार्मिंग हो रही है अर्थ की वार्मिंग यानी अर्थ के टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ओके okay? आगे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली रिस्पॉन्सिबल है एस ओ टू सी ओ टू सी ओ या ओ टू तो देखिए मैंने बताया था कार्बन डाई ऑक्साइड जहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट आए ठीक है ग्लोबल वार्मिंग का नाम आए और वहाँ पर सी ओ टू है तो पहला वही ऑप्शन करेक्ट है सी ओ टू ही मेजर है सी ओ टू मेजर है मेजर ग्रीन हाउस गैस है और ये ग्लोबल वार्मिंग करती फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैस आर द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कौन से ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा पेयर जो है गैसेज का ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है की ओ टू सी ओ सी एफ सी एस ओ टू की ओ टू एन टू ओ सी ओ टू या ओ थ्री की ओ टू तो होना ही है सी तो वाला कार्ड दीजिए या सी ओ टू नहीं अब सी ओ टू सी ओ टू के साथ में सी ओ एन टू ओ या ओ थ्री इसमें से होगा एन टू एन एन टू ओ इंडायरेक्टली काम आता है ओ जोन भी है बट ये इनडायरेक्टली काम आती है

Earth की वार्मिंग कर रहा है वार्मिंग इफेक्ट देता है green gases की वजह से warming होती है है को ये rise देता आगे yeah? के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें बायोलॉजिकल रीजन कौन सा है कोल माइंस डोमेस्टिक स्पिल्स केमिकल लाइक पेंट तो

स्विमिंग जो है उससे ज्यादा कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन स्विमिंग इन द पॉन्ड जो है वो एक मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत लेस पोल्यूशन लीस्ट पोल्यूशन ने कॉज करती है ओके गंगा एक्शन प्लान वाज़ लॉन्च्ड इन द ईयर कौन से ईयर में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था वे तो लॉन्च हुआ था 1985 के अंदर 1985 के अंदर गंगा एक्शन लॉन्च किया गया था ओके कॉज cause, या कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज आर थ्रोइंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन का मेन कॉज क्या हो सकता है गार्बेज इन रिवर अन रिवर डेड बॉडीज इन रिवर अबाउट देखिए गार्बेज इन रिवर भी है गार्बेज इन रिवर भी होगा कचरा फेंका जा रहा है नदियों के अंदर अनट्रीटेड सैवेज इन रिवर सैविज को बिना ट्रीट किए और रिवर्स के अंदर डाल देना डायरेक्ट ये भी रीजन है डेड बॉडीज डाल दी जाती है रिवर ये भी रीजन है सो ऑल ऑफ द अबो आर द द दैट ओके सो ऑल ऑफ द अबो इज करेक्ट ऑप्शन आगे चलते हैं इज द द हार्म फ्रॉम डिप्लूशन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर में अगर लेप्लीशन होता है उससे हमें क्या हार्म होगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस विल इंक्रीज ग्रेजुअली द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एटम्स एट एटमोसफियर विल डिक्रीज इंक्रीज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विल रिच अर्थ सरफेस सी लेवल विल राइज एज द पोलर आइस कैप्स वर वर्जुअली मेल्ट देखिए डिप्लीशन हो क्या सकता है अगर ओजोन लेयर का डिप्लिशन होगा तो यूवी रेज जो है हमारी अर्थ पे ज्यादा आएगी यूवी रेज को रोक के रखता है तो सिंपली इनक्रीज अमाउंट ऑफ अल्ट्रा अल्ट्रावाट रे विल रिच अर्थ सरफेस ऑप्शन इज सी अल्ट्रावाट रेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ की सरफेस तक आएगी एसिड रेन इज फॉर्म ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एसिड रेन इनमें से किस पेयर की वजह से होती है मिथेन ओजोन ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड मिथेन सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड देखिए मैंने कहा था मिथेन रिएक्ट नहीं करती है इन वाला हटा दिया ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी ऑक्सीजन रिएक्ट करती तो हमारे लिए असेंशियल है वो या वो रिएक्ट नहीं करती है बचा कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तो ये दोनों ही क्या कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होती है ओके

उसे ये क्या करता है इंक्रीज कर देता है स्किन कैंसर हो सकता है हमें यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आने की वजह से ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज डी आगे चलते हैं मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट पोज बाय हाजार्डर्स वेस्ट इज मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है हाजार्डर वेस्ट जो है वो हमारी एनवायरमेंट पे क्रॉस कर रहा है वो क्या है एयर पॉल्यूशन कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इंक्रीज यूज ऑफ लैंड फॉर लैंड फिल्स डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट तो देखिए हजारड वेस्ट जो होता है ये ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देता है हजार्डर वेस्ट जो है वो क्या है लैंड पे पड़ा है लैंड से वो उसके नीचे की तरफ लेयर्स में जाता रहता है ठीक है तो उससे क्या होगा जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो बहुत बुरे तरीके से पॉल्यूट होता है कंटेमिनेट होता है करेक्ट ऑप्शन इज कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर के आगे चलते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सिक्वेंस नहीं है राइजिंग सी लेवल इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड वर्सनिंग हेल्थ इफेक्ट्स इंक्रीज़ स्ट्रॉम स्ट्रॉम फ्रीकुंसी एंड इंटेंसिटी तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है तो उस वजह से सी लेवल राइज करेंगे क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी लेवल राइज होगा इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी क्या इंक्रीज़ होगी इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड इंक्रीज़ करेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को वर्सनिंग हेल्थ इफेक्ट्स हेल्थ इफेक्ट्स जो है वो मतलब ख़राब कर देगा हमारी हेल्थ को इंक्रीज स्टॉम फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी स्टॉम्स की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी पर इफेक्ट आएगा तो देखिए ये सारे से ये बर्स इसको छोड़ के क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी नहीं बढ़ सकती है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो क्या होगा जो क्रॉप्स हैं उन्हें उनका फेवरेबल नहीं मिल पाएगा जितने पे वो ग्रो उससे बढ़ चुका है बढ़ने सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन आगे चलते हैं फॉरोविंग इज नॉट अ प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर कौन सा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मिथेन गैस तो देखिए इनमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राइमरी कंट्रीब्यूटर नहीं है सेकेंडरी कंट्रीब्यूटर होगा ओके okay? ये प्राइमरी कंट्रीब्यूटर नहीं है मैंने पहले भी बताया था ये डायरेक्टली नहीं ये इनडायरेक्टली इस पर इफेक्ट करता है सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन आगे चलते हैं डिप्लीशन इन लेयर इज कॉज बाय लेट कर रहा है oxide, dioxide, या तो ये कितनी बार रिपीट हो चुका है लैंग्वेज चेंज हो रही है बट क्वेश्चन क्या है वो सेम है सेम पॉइंट है क्या क्लोरो फ्लोरोबन जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरोबन नेक्स्ट चलते हैं

ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर अगर वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ जाता है वाटर का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नॉर्मली बी ओ इसे कहा जाता है बीओडी पे क्या इफेक्ट आएगा तो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीजेस ऑक्सीजन डिमांड रिमेंट अनचेंज नन ऑफ द अबो तो बी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक

एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं ओके लैंड फिल्स एंड अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक ये भी क्या करते हैं ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं अभी हमने पहले पढ़ा था लैंड फिल्स हो जाती है लाइक हजार डयर वेस्ट जो है उसकी वजह से एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उसमें भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ठीक है जिनकी वजह से कि क्या होता है कुछ केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है एंड सैप्टिक टैंक सैप्टिक टैंक्स में क्या होता है जो घर का सेवेज है उसे कलेक्ट किया जाता है एंड उसे क्या किया जाता है उसमें से जो भी हार्मफुल चीजें हैं वो निकाली जाती है सो ऑल ऑफ द अब आर मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन ये सारे ही क्या है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के मेजर सोर्सेज होते हैं ओके तो ये तीनों ही मेजर सोर्स होंगे आगे चलते हैं फॉलोविंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ वाटर यूज प्लानिंग इनमें से कौन सा वाटर यूज प्लानिंग यानी वाटर की जो हम प्लानिंग करते हैं वाटर को यूज करने की उसका पार्ट नहीं है ये पूछ रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट ज एंड सैलिशन वाटर यूज प्लानिंग तो देखिए वाटर यूज प्लानिंग जो है उसमें सारी ही चीजें आती है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट भी हमें करना होगा वाटर डायवर्जन प्रोजेक्ट्स भी हमें चलाने होंगे ओके जिससे कि कहीं पे फ्लड्स आने के चांसेज ना रहे एंड स्ट्राम सेवर ड्रेनेज एंड सेलिनेशन ये चीजें भी हमें करनी होगी क्योंकि जो है ना ड्रेनेज हो रहा है यानी कि जो सेवेज वाटर है ठीक है सीवेज वाटर जो है उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और सिलेंडेशन का काम जो है वो भी हमें देखना पड़ेगा यानी तीनों ही चीजें आ रही है तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाटर यूज प्लानिंग कंसिडर ऑल ऑफ द अबो इशूज ये सारे ही इश्यूज इसमें कंसिडर किए जाएंगे ओके okay? चलते हैं आगे ग्राउंड वाटर माइनिंग इन कॉस्टल एरियाज़ कैन रिजल्ट इन टू कोस्टल एरिया में अगर ग्राउंड वाटर की माइनिंग की जाती है तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है यानी ज़्यादा ग्राउंड वाटर हम वहाँ से निकालेंगे तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है इंक्रीज इन सैलिडिटी ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीज इन टॉक्सिसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर डिक्रीज इन सैलिडिटी ऑफ ग्राउंड वाटर या फिर इंक्रीज इन द वाटर टेबल तो देखिए जब ग्राउंड वाटर की माइनिंग की जाती है कॉस्टली एरियाज में ज़्यादा पानी खींचा जा जाएगा तो अल्टीमेटली नीचे पानी की कमी होगी और जो सी लेवल में यानी जो कि सैलाइन वाटर है वो क्या हो जाएगा उसकी जगह ले लेगा तो इससे क्या होगा इंक्रीज द सैलिडिटी ऑफ ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर की सैलिटी वहाँ पर बढ़ जाएगी ओके okay? आगे चलते हैं चिपको आंदोलन ओरिजिनेटेड इन चिपको आंदोलन के बारे में सभी ने सुना है ट्री से रिलेटेड था ट्रीज को कटने से बचाने के लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उसके चारों तरफ आके लिपट गए थे ताकि उन्हें कोई भी काट ना सके तो ये कहाँ से शुरू हुआ था केरला राजस्थान उत्तराखंड या फिर कर्नाटक तो देखिए ये स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड से ओके चिपको मूवमेंट जो है चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था वो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था ठीक है आगे चलते हैं इन 1998 ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूजिंग डीजल वर्स स्विच टू 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो कि डीजल पे चलते हैं अब उन्हें किस पे चलना चाहिए CNG, LPG, पेट्रोलियम या कोल तो देखिए कोल पेट्रोलियम उतने का उतना ही पोल्यूशन करेंगे तो ये दोनों तो नहीं होने चाहिए एल या सी की बात करते तो उसमें से सी बोला गया था कि सी के ऊपर अब ये चलने चाहिए जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो सभी ओके नेक्स्ट एसिड रेन इज कॉज बाय ऑक्साइड्स ऑफ एसिड रेन किसकी ऑक्साइड्स की वजह से होती है सल्फर नाइट्रोजन सल्फर कार्बन कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस कार्बन देखिए एसिड रेन में मेनली सल्फर और नाइट्रोजन का यूज है क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया एसो टू एंड एनओ टू ठीक है ना ये गैसेस जो है इनकी वजह से एसिड रेन होती है नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर बनता है सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन सल्फर एंड नाइट्रोजन आगे चलते हैं

ए डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द लेक लेक के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी एंड इनक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पीसीबी पोल्यूशन इन द लेक अ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉस्फेट्स इन द लेक तो देखिए सीधा सीधा सा होता है अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द लेक लेक के अंदर तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसमें क्या होता है कमी आ जाती है ओके okay? डिक्रीज हो जाती है डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट जब भी हॉट वाटर लेक्स में एक्सेसिव अमाउंट में डाल दिया जाता है सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन आगे चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एडेड टू द एटमोसफियर बाय लेड कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ठीक है थीके? इन्हें एटमोसफियर में एड किया जाता है कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बर्निंग ऑफ़ फॉसल फ्यूल्स ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैशेज एफ्लुएंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर ऑल ऑफ द अबो तो हमें पता है ऑल ऑफ द अबो क्योंकि ये सभी में क्या हो रहा है इन सभी के अंदर फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है अदर दे आर बर्निंग ऑफ सिंपली फॉसल फ्यूल्स अदर दे आर ऑटोमोबाइल्स और द फैक्ट्रीज इनके अंदर सभी में फॉसल फ्यूल्स की ही बर्निंग होती है तो ये तीनों ही क्या है करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ़ द अबो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग ऑफ लैट कार्बन डाईऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमोसफेयर ओके okay, आगे चलते हैं फैक्टर्स डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर पॉल्यूटेंट्स की सीवियरिटी यानी कोई भी पॉल्यूटेंट कितना ज्यादा सीवियर है ये हमें कौन बताता है कौन सा फैक्टर है केमिकल नेचर कंसेंट्रेशन परसिस्टेंस ऑल ऑफ द अबो तो देखिए केमिकल नेचर कंसेंट्रेशन और परसिस्टेंस इसकी तीनों ही चीजें इसकी बताती है यानी कि केमिकल नेचर ऑब्वियसली कितना ज्यादा रिएक्ट करेगा

तो देखिए वाटर पोल्यूशन मेन है क्योंकि जो टाइफाइड है डिसेंट्री है और ज्वाइनडिस है ये जो है इनके लिए जो मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है या जो भी हार्मफुल इफेक्ट वो किसके हैं वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट है? होते हैं यानी कि किसी के लिए अगर कॉजल ऑर्गेनिज्म है तो वो कॉजल ऑर्गेनिज्म कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है वाटर के थ्रू वो क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन के पास में या फिर वाटर पोल्यूशन से क्या हो रहा है कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में जा रहे हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ हमें हो रही है सो करेक्ट ऑप्शन इज वाटर पोल्यूशन ये सब कुछ वाटर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है वट कॉज ग्लोबल वार्मिंग इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ओ टू इन कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू इंक्रीज़ इन कंसेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू या ऑल ऑफ दिस तो देखिए इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू मैंने आपको कहा था जहां भी आपको सी ओ टू दिख जाए आपको वही टिक करना है अब ऑल ऑफ द अबाव हो सकता था लेकिन एन टू और ओ टू हमें पता है दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सो करेक्ट ऑप्शन इंक्रीज़ इन द द ऑफ़ इज़ मेनली फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है? आगे चलते हैं। Which of the following is not a natural सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इनमें से कौन सा एक नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन नहीं है पॉल्यूशन का नेचुरल सोर्स नहीं है ऑटोमोबाइल अर्थक्वेक फ्लड एंड वॉलोज अर्थ अर्थ क्वेक है फ्लड्स हैं वॉलोस हैं कि तीनों ही क्या है नेचुरल डिजास्टर्स so, ये कंसिडर नहीं करेंगे बट ऑटोमोबाइल जो है ऑटोमोबाइल एक नेचुरल सोर्स नहीं है आर्टिफिशियल सोर्स है मेन मेड सोर्स है तो ऑटोमोबाइल इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट पॉलिटेंट्स में भी पॉलिटेंट्स कैसे हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बोथ ए एंड बी या नन ऑफ नीज तो देखिए पॉलिटेंट्स बोथ हो सकते हैं पॉलिटेंट बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं ठीक है जो बायोडिग्रेडेबल है तो वो क्या हो जाएंगे बायोडिग्रेड हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद में डिग्रेड हो जाते हैं वो और डिग्रेड होने के बाद में वो नो मोर दे आर वो पॉल्यूटिन ज्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो काफी टाइम तक बने रह सकते तो पॉल्यूटिन दोनों तरीके के हो सकते ठीक है आगे चलते हैं ओजोन इज ओजोन क्या है प्राइमरी पॉलिटन सेकेंडरी पॉलिटन नेचुरल पॉलिटन या नन ऑफ द अब तो देखिए ओजोन जो है एक सेकेंडरी पॉलिटेंट होता है क्योंकि ये एक प्राइमरी दो प्राइमरी पॉलिटन से मिलके बना है देखिए ओजोन अगर सिंपली मैं बोलूं कि प्राइमरी या सेकेंडरी या नेचुरल पॉलिटन नेचुरल पॉलिटेंट तो देखो नहीं बोलेंगे इसको हम सेकेंडरी या प्राइमरी तो ये कभी भी प्राइमरी में नहीं आता है ये आता है हमेशा सेकेंडरी के ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंडरी पॉलिटेंट ओजोन इज अ सेकेंडरी पॉलिटेंट नाउ ऑक्सीजन डिमांड इज ऑक्सीजन डिमांड क्या है क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिमांड कंज्यूम्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन वाटर अंडर फेवरेबल कंडीशन पहला दूसरा द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर अंडर फेवरेबल कंडीशन तीसरा बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबो तो देखिए केवल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो लग रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके ऑक्सीजन के लिए कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इट इज नोन एज BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन इज सॉरी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर अंडर फेवरेबल कंडीशंस ठीक है आगे चलते हैं डी डी टी इज बैन बिकॉज डी डी टी को बैन क्यों किया गया था इट इज हाईली टिक टू ह्यूमन लॉन्ग परसिस्टेंस इनवाइट लाइक बटरफ्लाईज यूज अगेंस्ट मॉस्क्यूटो क्या रीजन था इसका तो देखिए ये ह्यूमन्स के लिए हाईली टॉक्सिक था क्यों था ह्यूमन्स के लिए क्योंकि एक हमने नाम पढ़ा था बायोलॉजिकल तो मैग्नीफिकेशन जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रहा था इस वजह से क्या हो रहा था जो डी डी टी है डी डी टी लाइक डीडी टी को हमने सप्लाई कर दिया प्लांट्स को प्लांट्स ने जब उन्हें

थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन रिफ्यूज़ डिस्पोजल तो देखिए मेन क्या होगा थर्मल पावर प्लांट का कोई लेना देना ही नहीं है इससे थर्मल पावर प्लांट का कोई लेना देना नहीं है उस वहाँ पे दूसरी एनर्जीज यूज़ हो रही है जो कि सेफ है न, है ना क्लीन सोर्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ ट्रांसपोर्टेशन रिफ्यूज डिफ्यूजल तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन भी एयर पोल्यूशन करता है रिफ्यूज डिस्पोजल भी करता है बट इंडस्ट्रीज इज द मेन सोर्स

स्मोक तो सिंपली हम कह सकते हैं स्मोक कंबाइन विथ फॉक जब स्मोक जो है फॉक के साथ में कंबाइन हो जाता है उसे स्मोक कहा जाता है ठीक है आगे चलते हैं वर्ल्ड एनवायमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो एवरी ईयर कौन से डे पे सेलिब्रेट किया जाता है फिफ्थ ऑफ जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फिफ्थ ऑफ जून को मनाया जाता है ओके okay? आगे चलते हैं मेजर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल ताजमहल का मेजर डिस्ट्रक्शन किस वजह से हुआ था फ्लड इन रिवर यमुना एयर पोल्यूशन गार्बेज डिस्पोजल हाई टेम्परेचर तो देखिए मार्बल खराब क्यों हुआ था एसिड रेन की वजह से और एसिड रेन क्यों होती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन तो सिंपली एयर पोल्यूशन इज द रीजन ओके आगे चलते हैं Of the is not a of air means, कौन सा नहीं है एयर पोल्यूशन का वॉल्केनिकॉरेस्ट फायर डस्ट स्टॉम्स फोटोकेमिकल स्मोक तो देखिए वॉल्केनिक तो नेचुरल है नेचुरली हो जाते फॉरेस्ट फायर भी नेचुरली लग जाती है कभी भी लाइटनिंग की वजह से डस्ट स्टॉम्ब जो होते है वो भी नेचुरली है फोटोकेमिकल स्मोक जो है फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से क्रिएट होता है ओके हार्मफुल केमिकल्स का यूज करने की वजह से क्रिएट होता है सो फोटोकेमिकल स्मोक इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट स्मोग इज जनरली सीन इन स्मोक कब देखा जा सकता है विंटर सीजन समर सीजन रेनी सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन तो देखिए स्मोक स्मोक से और फॉक कब ऑब्जर्व किया जाता है विंटर सीजन में विंटर सीजन में कोहरा हो जाता है फॉग आ जाता है और फॉग जब स्मोक के साथ कंबाइन होगा तभी स्मोग नजर हमें आता है सो करेक्ट ऑप्शन इज विंटर सीजन विंटर सीजन के अंदर स्मोक जो है वो आपको देखने को मिलेगा ओके okay? तो इस टॉपिक को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अभी और भी हमारे पास क्वेश्चन है जिसके लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना पड़ेगा इसके सेकेंड पार्ट में आपके लिए मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड ओके और इसी तरीके से हम आगे बहुत सारे और भी टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे तो बने रहिए हमारे साथ पढ़ते रहिए जय हिंद